हेलो, वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल कुकिंग। आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी आलू बनाना सिखाऊंगी और ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे एंड टेस्टी इसकी रेसिपी है। आप जो है इस रेसिपी को फॉलो करना और मेरे चैनल को बहुत सारे लाइक्स देना एंड सब्सक्राइब करना। गोभी आलू बनाने के लिए जो प्रिपरेशन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो है गोभी, पोटैटो, सॉल्ट, जिंजर, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, हींग, टोमेटो प्यूरी। अब हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब हमने कढ़ाई ली, उसमें ऑयल रखा और ऑयल हीट होने के लिए रखा था, अभी हीट हो चुका है। इसमें सबसे पहले हम पोटैटोस फ्राई करेंगे। ये पोटैटोस को फ्राई होने में टाइम लगता है, इसलिए पहले पोटैटोस करेंगे फिर गोभी फ्राई करेंगे। जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए पोटैटोस तब तक इसे फ्राई करना है। अब जो पोटैटोस फ्राई हो रहे थे वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसको मैं निकाल रही हूँ, फिर मैं गोभी डालूंगी। गोभी डालेंगे, गोभी को भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब गोभी भी गोल्डन ब्राउन हो गई है, मैं सारी गोभी निकाल लेती हूँ, फिर इसकी तड़के की तैयारी करते हैं। अब गोभी आलू फ्राई हो चुके हैं हमारे, अब हम इसके तड़का लगा रहे हैं। घी डाल दिया है मैंने और हींग डाल दी है। अब इसके बाद जीरा, जीरा को क्रैकल होने दें, फिर उसके बाद जिंजर, जिंजर को थोड़ा सा भूनते हैं, तो थोड़ा सा भून लिया है। इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे, टमाटो प्यूरी डालने के बाद इसमें मसाले डालेंगे, सौंफ पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, हल्दी पाउडर। अब टमाटर को थोड़ा सा भून लेते हैं 5 to 7 minutes, फिर इसमें गोभी आलू मिक्स करेंगे। जब तो थोड़ा सा भून लिया है, इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे, टमाटर प्यूरी डालने के बाद इसमें मसाले डालेंगे, सौंफ पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, हल्दी पाउडर। अब टमाटर को थोड़ा सा भून लेते हैं 5 to 7 minutes, फिर इसमें गोभी आलू मिक्स करेंगे। अब हमारे इसमें सारे जो हमने इसको ढक दिया था 5 मिनट के लिए, इसको भी 5 मिनट और लगेंगे, इसके सारा फ्लेवर इसमें मिक्स हो जाएंगे सारे मसाले, फिर इसको प्लेट करेंगे। अब ये हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है और इसमें अब मैं गरम मसाला लास्ट में डालूंगी और अब मैं प्लेट करूंगी इसको। अब हमारी गोभी आलू रेस्टोरेंट स्टाइल बनके एकदम तैयार हो चुकी है। आप भी इस डिश को, मेरी रेसिपी को फॉलो करो और इस स्वादिष्ट गोभी आलू का लुत्फ़ उठाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत सारे लाइक्स देना। थैंक यू सो मच।